डॉक्टर विजय यादव राष्ट्रीय खबर से। और आज इस शहर के बीचों बीच कुछ ऐसे आयोजन हो रहे हैं जो हमारे बड़े भाई तुल्य हैं और हमेशा प्रेरणा के आदर्श हैं। सभी जितने भी गार्जियन स्वरूप दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे गार्जियन हैं। कुछ ऐसा कार्य होता है सृजन के कार्य की जो शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है भारतीय संहिता में और ऐसा हिंदू धर्म में भी मानना है और हमारे सनातन धर्म में भी मानना है कि कोई भी जब तप और साधना का कार्य यही नवरात होता है। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने साक्षात जो है सर को यहाँ अवतरित किए हैं काशी की धरती से और यहीं से आगाज होगी। आज सर का अवतरण दिवस है और इस अवसर पर हम सर के साथ हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि सृजन की जो नई परिभाषा आज से शुरुआत होने वाली है, जो हलचल हो रही है, क्योंकि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पूरे जोश खरोश के साथ पूरे देश में लोगों के अंदर जोश जज्बा है, देशभक्ति का है जज्बा। आज इसी चीज़ों को लेकर के हमारे जितने भी गार्जियन यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले अशोक सर से बात करते हैं। सर, आज आपका अवतरण दिवस है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और बचपन में आपने कहा कि बचपन में बचपन की याद आ जाती है और बचपन हमेशा ही एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? और सर, सृजन की जो नई परिभाषा है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जन्मदिन को बधाई देता हूँ। तो हमें बधाई दे रहा है मैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे को बधाई देना चाहिए क्योंकि इससे स्नेह और प्यार का पता लगता है कि आप कुछ चाहने वाले लोग हैं। जन्मदिन तो घर में भी मनाया जाता है, बाहर भी मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है। तो सुबह से लेके जब जन्मदिन के साथ हमें भी कुछ ध्यान नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। और फिर सवेरे जब फोन आना शुरू हुआ तो मेरे को लगा कि यार मेरा जन्मदिन है। और मैं वो आवाक रहा कि इतना मतलब लोग चाहने वाले सोशल मीडिया पे तमाम से बधाई आ रहा है। और जहाँ तक रही बात की जो है आप ये बात है कि क्या कहना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सर्व समाज को देश हित राष्ट्र में ही काम करना चाहिए जिससे देश आगे बढ़े। जन्मदिन को एक बहाना है, होता है कि लोगों के साथ मिल करके एक इन्जॉय भी करना और एक दूसरे से आपस में मिल करके चीज़ों को आगे। काशी में एक प्रसंग बड़ा ही फेमस है, साधना तो पाठा। तो सर भी जो है उसी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके बारे में क्या कहना है? साधना का पाठा तो मतलब हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो है आदमी यदि मन में और दिल में दिमाग में यदि बना रहे तो साधना का पाठा कभी हो ही नहीं सकता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जैसे मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, माननीय मोदी जितना उनके में ऊर्जा है, तो शायद उनको यदि राजनीति में देखा जाए तो उनसे बड़ा जो आज के देश में, आज के दिन में देश में दुनिया में ऐसे राजनेता नहीं हो जिसके पास इतनी बड़ी ताकत हो। तो कभी न थकते हैं, न थकने देते हैं, न हारते हैं, न हारने देते हैं, हमेशा देश हित में राष्ट्र हित में काम करते हैं। तो साठा और पाठा का कोई मतलब नहीं रहा, ये तो पुराने लोग कहते थे, लेकिन आज के डेट में मैं समझता हूँ कि हम लोग भी उनको एक आदर्श मान करके उसी राह पे हम लोग भी चल रहे हैं कि हम लोग कभी साठ तो होंगे लेकिन पाठा नहीं होंगे। हाँ, तो यही मेरा कहना है, सबको बधाई देते हुए भारत माता की जय, हर हर महादेव, वंदे मातरम। सर भी हमारे साथ हैं, आज सर का जन्मदिन है तो नवरात्र का भी समय है, तो आज सर के साथ भी हम लोग को एक संकल्प लेना चाहिए। तो आज के समूह में क्या संकल्प? संकल्प यही है कि भैया एक बहुत अच्छे कार्य करते हैं संगठन के, उनके पीछे हम लोग भी सीख रहे हैं, ये बहुत सीखने का किया और इनके जितने ऐसे मार्गदर्शन दिखाते हैं भैया, वैसे हम लोग कार्य करते हैं। सर भी हमारे साथ हैं, गोपाल जी भी हमारे साथ हैं। आज बड़े ही मतलब सौभाग्य की बात है सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर के प्रति हम लोग का क्या संकल्प होना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल का मंडल अध्यक्ष उपाध्याय गुप्ता मेरा नाम है। हम लोग मंडल के लोग इकट्ठा हुए हैं भाई साहब को जन्मदिवस की बधाई देने के लिए और हम लोग चाहते हैं कि भैया का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे और आप जैसा कहें और महानगर जैसा करती है हम लोग वैसा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पत्रकार संघ की ओर से भी सर के प्रति हम लोग का संकल्प है कि सर कुछ भी उद्घोष करेंगे हम जन जन तक पहुंचाएंगे और मैं चाहूंगा कि सर को नेतृत्व करने का मौका मिले और एक ऐसा मौका मिले सर के माध्यम से ताकि हम लोग को लिखने पढ़ने का मौका मिल सके। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं बीएचयू के भूतपूर्व रजिस्ट्रार
हमदान सर हैं, आपका भी स्वागत है सर। आज का क्या संकल्प है आपका भी? देखिए, आज का पावन अवसर है, अशोक जी का जन्मदिन है, इतनी सादगी के साथ और इतनी साफगोई के साथ ये जो इन्होंने अपना अभी जो उद्बोधन दिया है, मेरा तो यही है कि अगर इस तरह के लोग हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर उस परिवेश में आते हैं और उनको कोई ऐसा अवसर मिलता है कि वो नेतृत्व कर सकें, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से वो राष्ट्रहित में और समाज के हित में बहुत ही अच्छा होगा। और ये मोदी जी के इतने प्रबल समर्थक और भक्त हैं कि हमको लगता है कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कुछ ऐसा अवसर प्राप्त हो। और ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं और सृजनकर्ता के नाम पर हमने इनको बहुत नज़दीक से देखा है। ये गरीबों के लिए खास तौर से बहुत ही ज़्यादा इनका कमिटमेंट है। मैं इस अवसर पर इनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ और इनके व्यक्तित्व की भूर प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। और इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कायदा कानून अगर नियम ना हो तो समाज कहीं कहीं बिखराव हो जाता है, जिसके मर्मज्ञ के हमारे देवी प्रसाद जी यादव जी भी है। और मैं चाहूँगा कि उनके मुखारवि से भी मैं चाहूँगा हमारे सर के प्रति कुछ शब्द। इस पावन अवसर पर मुझे जो है बधाई देने के लिए आकस्मिक बिना जानकारी जो है मेरे लिए थोड़ा सी जो है इमरजेंसी हुआ, लेकिन आप जैसे व्यक्ति बिना किसी फॉर्मेलिटी के सब कुछ के जो है पिछले साल भी आपका जो है जन्मदिन था, आप जन्मदिन आ गए। हमारी गलती है कि हमने जो है डेट नोट नहीं किया, तो पहले तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे से मैं इसकी गलती नहीं होगी और हम चाहेंगे कि दीर्घायु हो। और जिस तरह से जिस ऊर्जा से ये परिवार को लेके और समाज को लेके और राष्ट्र को लेके जो सोचते हैं, जो विचार है, चिंतन है, तो सुबह से उठना हो शाम के सोने तक समाज सेवा से लेके और अपने परिवार को इस तरह से चला रहे हैं, ये प्रेरणा की पात्र है। ऐसी प्रेरणा जो है जो भी राजनीति में व्यक्ति आवे उनको पहले परिवार और समाज और देश तीनों को देखना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की चिंतन होनी चाहिए कि जो कि आज समाज में पॉलिटिकल पार्टियों का हरासमेंट हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों को अगर भाजपा योगी समझकर अध्यक्ष बना लिया है तो मैं तो समझता हूँ कि बनारस से विधायक या सांसद बनावे हैं ताकि जो है भाजपा को भी इसका लाभ मिले और इनके अनुभव का भी, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है जब से मैं आपके बारे में जाना है वो अतुलनीय है। कहने का मतलब है कि यादव एक ऐसी बिरादरी है जो कि एजुकेशन के मामले में आज भी लोग समाज के अन्य वर्ग के लोग जो है इनको देखते ही काफ़ी पिछड़े हुए, लेकिन उसमें उस अवस्था में या उस स्थिति में आकर आपने एजुकेशन को बढ़ावा दिया और एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी लोगों को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आपकी प्रेरणा के ये संभव हो पाया। मैं समझता हूँ कि यह निरंतर उस दशा में और आगे भी प्रयास कर रहे हैं जैसा हमारी आपसे बातचीत हो रही है। बिना जाति धर्म और बिरादरी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो काम किया है, जितने कम समय में मैं इनको जाना हूँ, मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को पार्टी के लोग भी या समाज के लोग भी अगर समझें आज की स्थिति क्या है कि लोग उन लोगों को तवज्जो देते हैं जो बाहुबल या पैसे के बल पर समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन एक कहावत है टीम इंडिया आज़ादी दरकार नहीं, यदि आज़ादी पावा शिक्षा देवा, शिक्षा हो गए तो आज़ादी पावा जावे। ये श्यामा चरण मुखर्जी के पिताजी जस्टिस आशुतोष मुखर्जी की वाणी थी कि अगर इंडिया को स्वतंत्र कराना है और तरक्की कराना है तो पहले शिक्षा देना बहुत जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ों को अपने उसमें लाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को अभी तक भाजपा के, मैं तो कहूँगा मेरे माध्यम से इस बातों को वहाँ ऊपर से नेतृत्व तक जाए कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट मिले या नॉमिनेट किया जाए ताकि उनके अनुभव का लाभ पार्टी को ही मिल सके, समाज को ही मिल सके। क्योंकि होता क्या है कि एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को सही समय में चार्ज और डिस्चार्ज न किया जाए तो एनर्जी समाज के किसी काम में नहीं है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का
अत्यंत ही पवित्र दिन है और आपने उद्घोष किया है, तो मुझे लगता है कि ये नाद ध्वनि ब्रह्म से सुमेलित होते हुए उन व्यक्तियों के पास जरूर जाएगी और परमात्मा का आशीर्वाद ऐसा होगा कि वो जरूर क्रियान्वित होगा। आपने धर्मशास्त्रों में भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साक्षात हनुमान खड़े रहते थे हमारे साथ ही, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिस तरह से छठी यादव जी हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। जब सर रहते हैं तो सर को महसूस होता है कि बस अब कुछ कर जाना है, तो सर इस परिप्रेक्ष्य में आपका संकल्प सर के प्रति? ये हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे भाई, 2014 से हम साथ हुए, खास करके मोदी जी के आप प्रशंसक भी हैं और मोदी जी को अपना नेता भी मानते हैं, अपना आदर्श भी मानते हैं, और उसी इलेक्शन में हम दिल्ली से यहाँ आए थे, तो आपके साथ हम लोगों की मुलाकात हुई और उसी ऊर्जा के साथ मैं जब से देखा हूँ पिछले 7 साल से, और आपकी ऊर्जा बहुत बड़ी थी और बहुत मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी की साथ वरिष्ठ हो के अपना कार्य कर रहे हैं। पार्टी ने भी उनको महानगर उपाध्यक्ष किया और उसके साथ भी बहुत जस्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग तो हमेशा ये चाहते हैं कि तीन गुना राज चौगुना अपनी तरक्की करें और समाज जब ही बढ़ेगा ताकत मिलती है, ताकत नहीं है कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, और तरक्की के लिए ताकत चाहिए। और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अशोक जी के जन्मदिन पर और आए हुए डॉक्टर श्याम नारायण जी को, श्री प्रसाद जी को, आप सबके आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो किसानी साहब हैं और लोग नीचे गए उन सभी को बधाई देता हूँ, सबका आभार प्रकट करते हैं। जन्मदिन न जानते हुए पूरा शहर पूरा देश जान गया ये कितनी खूबी है। इंजीनियर अशोक यादव जी के इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और यही हमारी नवरात्र की भी सबको बहुत बहुत बधाई, और आपके कृष्ण की कृपा बनी है ऐसे चमकते हैं, यही विचार है और यही बनती। ये उद्घोष हो चुका है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काशी आकर के साक्षात संकलन किया था, और आज नवरात्र का समय है, तमाम लोगों के आशीर्वाद है, शुभ वचन है, और मैं भी ईश्वर से ही कामना करता हूँ कुछ ऐसा सृजन का कार्य हो इंजीनियर अशोक यादव जी के माध्यम से, कुछ ऐसा काशी में हो कि कुछ हो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।